स्टेशन पर एंटर है, स्टेशन पर एंटर में आप देख सकते हैं टिकट वगैरह की भी चेकिंग हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल खामखा ब्लॉगर में। और आज हम बाबा बैद्यनाथ धाम आए थे। आपको पता ही होगा पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि कैसे कैसे हमने दर्शन किए, फिर मैं आपको बासुकीनाथ के भी दर्शन कराए। कहते हैं कि बासुकीनाथ के दर्शन ना करो तो दर्शन पूरे नहीं होते। अब दर्शन तो पूरे हो चुके हैं, हम वापस चल रहे हैं अपने घर की तरफ। और मैं इस टाइम पर आ चुका हूँ जसीडी रेलवे स्टेशन पर। और जसीडी रेलवे स्टेशन देवघर में तीन रेलवे स्टेशन है टोटल, बाबा धाम देवघर, देवघर जंक्शन और जसीडी। जसीडी सबसे मेन है क्योंकि ये हावड़ा पटना मेन लाइन पर पड़ता है और यहाँ पर राजधानी ट्रेन का भी स्टॉप होता है। और बाकी स्टेशन पर व्यवस्था देख सकते हैं भाई, सावन को लेके कांवड़ियों को लेके व्यवस्था पूरी टाइट है। और यहाँ पे एंट्री बिना टिकट के स्टेशन के अंदर जो है करना बड़ा मुश्किल है और बड़ा भीड़ भाड़ अभी है जसीडी रेलवे स्टेशन पे। और हमारी ट्रेन का टाइम है लगभग 8:30 बजे, मैं पहुँच चुका हूँ शाम के लगभग 6:15 बजे जसीडी रेलवे स्टेशन पर। और जसीडी रेलवे स्टेशन में सुविधाएँ को देखेंगे क्या क्या सुविधाएँ यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। और बाकी स्टेशन पे जो आपको नहाने की व्यवस्था है ना, पे एंड यूज़ टॉयलेट और भोजनालय, खाने की व्यवस्था स्टेशन के बाहर भी बहुत कुछ आपको व्यवस्था मिलेगी। और स्टेशन के अंदर भी व्यवस्था पूरी प्रॉपर है कांवड़ यात्रियों के लिए। तो अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। हमारी ट्रेन है आज जसीडी पुणे एक्सप्रेस में हम यात्रा करने वाले हैं। ये ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेन जो है पुणे और महाराष्ट्र से कांवड़ जाने वाले, या आप कह सकते हैं कांवड़ियों के लिए, ये कह सकते हैं जो बाबा धाम आते हैं, काफ़ी भीड़ आती है उससे सावन के दिनों में। और ट्रेन में हम व्यवस्था देखेंगे ट्रेन कैसी है, उसमें क्या भीड़ भाड़ है, क्या सिचुएशन है ट्रेन का, वो देखेंगे। एक बार चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं और पूरी चीज़ें देखते हैं ट्रेन में बोर्ड करके। ट्रेन में मैं आपको दिखाऊँगा कि ट्रेन कैसी है, साफ़ सफाई ट्रेन की कैसी है। स्टेशन के अंदर चलते हैं और बाकी बातें आपसे स्टेशन के अंदर ही करता हूँ। आप यहाँ पूरी व्यवस्था देख सकते हैं कैसे टेंट वगैरह लगा के। और इधर से स्टेशन में एंट्री, स्टेशन पर एंट्री पे आप देख सकते हैं कि टिकट वगैरह की भी चेकिंग हो रही है। यहाँ पे आपको टिकट दिखाएंगे तभी आपको अंदर जाने को मिलेगा। और पूरी जो है ना कांवड़ियों को देहात ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में पूरे स्टेशन को रंग दिया गया है। और जसीडी रेलवे स्टेशन में मैं कह सकता हूँ कि व्यवस्थाएँ भाई टॉप क्लास हैं। और बिना टिकट अनुमति नहीं है, इसलिए क्योंकि ट्रेन में काफ़ी अजीब सिचुएशन हो जाती है, काफ़ी लोग बिना टिकट के जब अंदर जाते हैं। तो अभी चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं, और हमारे पास टिकट तो है ही, स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टेशन के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ से एंट्री और स्टेशन पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव लाउंज की भी सुविधा है वातानुकूलित, 30 रुपये प्रति घंटा प्रति व्यक्ति एक नंबर प्लेटफॉर्म पर। एक बार वो देख लेते हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है। सामने स्टेशन पर स्कैनर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ बैग स्कैन करते हैं और अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशन पर आप देख सकते हैं भाई बम लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये कोई ट्रेन खड़ी है शायद, ओके ये बांका पैसेंजर खड़ी हुई है। अभी हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव लाउंज की तरफ। देख सकते हैं स्टेशन पे ऐसे काफ़ी सारे आपको काउंटर्स मिल जाएंगे चाय नाश्ता और चिप्स वगैरह के। और हम बढ़ रहे हैं सीधा एग्जीक्यूटिव लाउंज, देखते हैं वो कैसा है और क्या उसका रेट वगैरह है। तो एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पेड AC प्रीमियम एग्जीक्यूटिव लाउंज आपको मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि प्रीमियम लाउंज और इसका क्या रेट है, ये मैं आपको बता दूँ कि सोफ़ा अगर आप लेते हैं तो 1 घंटे का 30 रुपये आपको लगेगा। फुल्ली AC है अंदर, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप रिक्लाइनर लेते हैं तो रिक्लाइनर का आपको 50 रुपये प्रति घंटे का चार्ज देना पड़ेगा। और अब यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम सीधा चलते हैं अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं, देखते हैं ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म पर लगी है। ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं, देखते हैं भाई ट्रेन में कैसी भीड़ भाड़ है और हमारी सीट ऑक्यूपाइड है क्या है, देख लेते हैं ट्रेन में क्या हाल है। ट्रेन में बोर्ड करते हैं, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं जसीडी रेलवे स्टेशन से। और जसीडी रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है हमारी ट्रेन, 1 पे दिखा रहा था ऐप में लेकिन 3 नंबर पे लगी है। और 8:25 पे हम निकलेंगे जसीडी से और देखते हैं कि ट्रेन का भाई क्या हाल है अभी स्टेशन में। भाई कांवड़ यात्री तो भरे हुए हैं, मतलब सिर्फ भगवा रंग ही दिख रहा है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी हुई है पुणे जसीडी, आप देख सकते हैं। ये रहा ट्रेन बोर्ड और S5 ही मेरा कोच है। सीट नंबर मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन में चल कर, देख सकते हैं भाई ट्रेन अभी तो फुल पैक दिख रही है बाहर से। भाई अपनी सीट है अपर बर्थ, सीट नंबर है 80
और ट्रेन में भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, बम लोग जो है ना ट्रेन में भरे हुए हैं, सब बोलबम बाबा को जल चढ़ा के आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेन में भीड़ भाड़, स्लीपर क्लास, भाई स्लीपर क्लास में अपनी जर्नी हो रही है, स्लीपर क्लास में भीड़ भाड़ फुल है अभी लोग काफ़ी दिख रहे हैं। और गाड़ी में तो हम लोग चढ़ गए, लेकिन वही है गाड़ी में कि जो है ना बोलबम वाले बम लोगों का स्लीपर में घुस के सीट लूटने की जो है ना जो साजिश चल रही है पूरा, कोई भी घुस रहे हैं, मतलब गलत बात है यार। आप जनरल में जाइए, आप कवर यात्री हैं तो आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, आप स्लीपर में किसी की सीट पे क्यों घुसते हो यार? अरे इसीलिए, मतलब इतना महान पर्व सावन का महीना, और इसलिए ये सब करके यात्रियों को परेशान करके लोग जो है ना, मतलब बहुत बुरी बात है। और लोकल पैसेंजर्स में काफ़ी चढ़ रहे हैं, कह के कि नहीं चढ़ेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को बोला भी कि आप जनरल में जाइए, यहाँ पे क्यों आप जो है किसी की सीट पे कब्जा करें। मेरी सीट पे भी कुछ लोग बैठ के बैठने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम बैठेंगे, कैसे चलेगा ऐसे। कोई बात नहीं, 8:25 पे हम यहाँ से निकलेंगे जसीडी से, और देखते हैं कि ओवरऑल जर्नी हमारी कैसी होती है। फिलहाल साफ़ सफ़ाई ट्रेन की ठीक ठाक है, मैं आपको बोल सकता हूँ, आप देख सकते हैं इधर साफ़ सफ़ाई ठीक ठाक है, उधर वॉशरूम है, इधर वॉश बेसिन वगैरह है, बाकी साफ़ सफ़ाई, क्योंकि ट्रेन अभी यहीं से चलती है तो साफ़ सफ़ाई तो ट्रेन में होनी है। और बाकी यहाँ से निकलते हैं और अगला स्टॉप इसको होने वाला है झाझा। पुणे जसीडी एक्सप्रेस में, या कह सकते हैं जसीडी पुणे एक्सप्रेस में, पहले दिन रात को 8:25 से यहाँ से ट्रेन निकलेगी और तीसरे दिन सुबह 9:45 पे पहुँचाएगी आपको पुणे, और टोटल 1880 किलोमीटर की दूरी इसमें ये ट्रेन पूरी करती है। पुणे जसीडी एक्सप्रेस में ना आपको मिल जाएगा 9 स्लीपर के कोच मिलेंगे, 5 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC और 3 जनरल के कोच आपको मिलेंगे। और इसमें किराया वगैरह भी हम देखेंगे जर्नी एक बार स्टार्ट हो जाए तो। और इस ट्रेन में याद रखिएगा पैंट्री कार्ड नहीं है, तो आपने खाने की सुविधा घर से ही करिए, स्टेशन से ट्रेन खुलने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और उधर अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस, और इसमें भी आप देख रहे हैं ना यहाँ बम लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं जसीडी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देख सकते हैं अराइव हो रही है गोड्डा से चल के रांची को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो जसीडी से निकलने के बाद ट्रेन का किराया क्या है, स्लीपर में अगर आप यात्रा कर रहे हैं ना तो आपको पुणे तक का देना होगा 755 रुपये, 3rd AC का 2005 और 2nd AC का आपको देना होगा 2915 रुपया। और इस ट्रेन में एक ही 2nd AC है, 1st AC इस ट्रेन में नहीं है। तो इस ट्रेन में पैंट्री करके सुविधा तो नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन ट्रेन में क्या है साइड पैंट्री है, और ये खाना और पानी सब कुछ ओवर प्राइसिंग में बेचा जा रहा है। 80 रुपये की जो वेज बिरयानी आती है उसका बोल रहे हैं 120 रुपया, ठीक है ना साइड पैंट्री वाले। ऑल दो ऐसा नहीं होना चाहिए, 80 का 80 लेना चाहिए, साइड पैंट्री है तो क्या हुआ। भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं झाझा, जो कि बिहार में आता है, और यहाँ पे गाड़ी हमारी लगभग आप मान लीजिए ना कि 20 से 25 मिनट बिफोर टाइम आ गई है। और आपने देखा ना मैंने खाने का ऑर्डर किया है 120 रुपया, बता रहे थे कि खाने का ऑर्डर का मांग रहे थे वेज बिरयानी का और जो है वेज थाली का मांग रहे थे वो 130 रुपया। अभी वो डिलीवर करते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है, बाकी डिलीवर वो करेंगे, बिल वगैरह मांग के देखते हैं क्या सीन है। और ओवरऑल बाकी अभी तक टीटी वगैरह भी नहीं आए भाई, ऐसे ही लोग चढ़े जा रहे हैं स्लीपर क्लास में। हमारी ट्रेन जो है ना झाझा से निकल गई है, लेकिन अभी तक जो है खाना डिलीवर नहीं हुआ हमारा, और लगभग 9:45 का समय हो चुका है। नींद बहुत ज़ोरों की आ रही है, क्योंकि बैक टू बैक आपने देखा पूरा देवघर घूमा, आप देवघर से वापस जा रहा हूँ, और देखते हैं खाना हमारा देता नहीं देता। अभी थोड़ी नींद में रहता हूँ, अगला स्टॉप होने वाला है क्यूल जंक्शन, उसके बाद
यूज जंक्शन के बाद ट्रेन हमारी रुकी गया जंक्शन पे, तो अगर नींद खुली तो गया जंक्शन पे मिलेंगे, नहीं तो देखते हैं कि हम कहाँ पे आपसे मिल के बातें कर रहे हैं हम लोग। और फिलहाल थोड़ी मिल लेता हूँ, पर ट्रेन में भीड़ भाड़ तो भाई स्लीपर आपको हाल पता है, स्लीपर में फिलहाल ये तो ठीक है, फिर भी ये ठीक है, नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे स्लीपर का हाल देखा कि चलने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन इस ट्रेन में जब ये ट्रेन खुली है आपको यहाँ से ठीक ठाक है भाई, मैं कह सकता हूँ लोग चढ़े लेकिन काफ़ी लोग गए उतर जाएंगे। और बाकी जैसे गाड़ी गया सासाराम पहुँचेगी, मुगल सराय पहुँचेगी, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे ही गाड़ी जो है ना भरती जाएगी। ट्रेन जो है जबलपुर इटारसी के रास्ते होके जाती है पुणे। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गया जंक्शन, लगभग आप मान लीजिए कि गया जंक्शन हम लगभग 40 से 45 मिनट बिफोर पहुंचे, और मुझे जाना था एक्चुअली डेहरी ऑनसोन पर, ट्रेन डेहरी ऑनसोन नहीं रुकती, ट्रेन रुकती है सासाराम में। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस हमारा ठीक ठाक था, स्लीपर में हमने देखा कांवड़ यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मानता हूँ थोड़ा अब्रप्टली ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं, मुझे काफ़ी लेट हो जाता अगर मैं सासाराम जाता तो, और एक स्टॉप ही बाद है, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, ऐसे भी रात का सफ़र है तो ज़्यादा क्या ही दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, ब्लॉग एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।